हेलो गाइस। सो सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की भी शुभकामनाएं। और आज हम लोग बुक नंबर 2 का चैप्टर 4 दैट इज़ इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले जो आपके आते हैं वो ये 2 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है आपका, 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरन पॉलिसी, कि जो हमारे कंट्री के पहले पीएम नेहरू थे उनकी विदेश नीति के कौन से 3 उद्देश्य थे, कौन से उनके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे मेजर। तो ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या है पहला, टू प्रिजर्व हार्ड अर्न सॉवरेनिटी, मतलब प्रिजर्व मतलब क्या होता है, सेव करना, कि हमको जो इतनी मुश्किल से इंडिपेंडेंस मिली है, हम लोग इतना खुल के जी पा रहे हैं, उसको प्रिजर्व रखना। नेक्स्ट क्या आता है, टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो हमारे देश की एकता है, जो हम लोगों ने प्रीवियसली स्टेट्स को जोड़ा था उसको प्रोटेक्ट करना, ताकि हमारे देश के आगे चल के टुकड़े ना हो। एंड लास्टली क्या आता है, टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब तेजी से आर्थिक विकास करना, डेवलपमेंट को प्रमोट करना। तो ये थे हमारे क्या, ये थे हमारे नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम्स में आपको 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में नजर आएगा। ठीक है, तो इसके बाद में जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो क्या आता है, इंडियाज रोल ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, या फिर इंडिया के कौन से 2 ऑब्जेक्टिव थे कोल्ड वॉर को लेके। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ने के लिए सिंपल से 2 पॉइंट्स हैं इसके, डिस्टेंट फ्रॉम 2 कैंप्स, 2 खेमों से दूरी, और एफ्रो एशियन यूनिटी। अगर हम लोग पहले की बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम 2 कैंप्स, तो आप सब जानते हैं कि भाई इंडिया जो था, इंडिया के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो इंडिया ज्वाइन करे यूएस या ज्वाइन करे यूएसएसआर। बट इंडिया ने ना तो ज्वाइन किया यूएस ना ज्वाइन किया यूएसएसआर, इंडिया ने नैम की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। नैम की पॉलिसी कहती थी कि ना इंडिया सपोर्टर है यूएस का और ना सपोर्टर है उसका यूएसएसआर का। बट कभी कभार इस बात को इंडिया ने खुद ही रॉन्ग प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ किया, कि 1950 की बात है, जब ब्रिटेन ने अटैक किया इजिप्ट के ऊपर, स्विज मतलब इशू था आपका, तब इंडिया बिल्कुल चुप रहा, सॉरी, जब ब्रिटेन ने अटैक किया इजिप्ट के ऊपर तब इंडिया ने बिल्कुल खुल के इसका प्रोटेस्ट किया, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोटेस्ट किया। लेकिन जब यूएसएसआर ने अटैक किया, आक्रमण किया हंगेरी के ऊपर, तब बिल्कुल ये शांत रहा, मतलब जो आपका था इंडिया, मतलब जब ये अटैक कर रहा है इस पे तो इंडिया बिल्कुल चुप है, और जब ब्रिटेन ने अटैक किया स्विज कैनाल के इजिप्ट के ऊपर तब इंडिया खुल के बोल रहा है, मतलब प्रोटेस्ट कर रहा है। इट मीन्स वॉट, कि इंडिया इनडायरेक्टली यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि 1971 में भी इंडिया ने यूएसएसआर के साथ में 20 ईयर्स की एक ट्रीटी पे साइन किए थे। ठीक है, हालांकि जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था आपका यूएस, और यूएस इंडियन इंडिया की नैम पॉलिसी से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। ठीक है, सो इंडिया का फर्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, डिस्टेंस फ्रॉम 2 कैंप्स, कि इंडिया ने किसी को ज्वाइन नहीं किया था, ना यूएस को और ना ही यूएसएसआर को। हाँ, बाद में चल के पहले 21 ईयर्स की ट्रीटी इसने की थी बाद में, और इसके टूटने के बाद इंडिया ने 1991 में अपनी इकोनॉमी को खोल के एक तरह से यूएस को ज्वाइन कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, एफ्रो एशियन यूनिटी, एफ्रो एशियाई एकता हिंदी में कहते हैं इसको। देखिए थोड़ा सा उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्या पॉइंट है कि नेहरू जी वॉन्टेड टू स्टैब्लिश रिलेशंस विद न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज, मतलब जिन कंट्रीज़ को, अफ्रीकन कंट्रीज़ को नई इंडिपेंडेंस मिल रही थी उनके साथ में नेहरू जी को अपने रिश्तों को काफ़ी इंप्रूव करना था। ठीक है, उसके बाद में फिर इंडिया ने काफ़ी हेल्प की इंडोनेशिया की, उसको फ्रीडम स्ट्रगल में उसको काफ़ी हेल्प की, और इंडिया ने जैसे आपका अपार्थाइड की पॉलिसी थी, या फिर आपका रंग के ऊपर भेदभाव हो गया, रेसिज्म हो गया आपका, इंडिया ने इसको भी काफ़ी अपोज किया था। ठीक है, तो 1955 से जो आपकी बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने बाकी कंट्रीज से अपने रिश्ते काफ़ी अच्छे कर लिए थे, और यही मोमेंट की जो आपकी स्टार्टिंग थी, आगे चल के नैम को बनाया गया। नैम मीन्स नॉन अलाइंड मोमेंट, जो कि 1961 में बनाया गया था, कहाँ पे, बेलग्रेड में। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इसका चैप्टर की बिगनिंग है। पहला क्या आता है आपका, 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स और नेहरू पॉलिसी। नेक्स्ट क्या आता है कि इंडिया की पॉलिसी, या फिर इंडियाज रोल ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, इंडिया का रोल क्या था, इंडिया ने किस तरीके से कोल्ड वॉर में अपना रोल दिखाया। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं और इनके लिए 3 पॉइंट्स हैं। हाँ जी, सो टॉपिक नेक्स्ट है अपना, पीस एंड कन्फ्लिक्ट विद चाइना, चीन के साथ शांति और लड़ाई हमारी क्यों हुई थी। देखिए, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, और चाइनीज रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1949 में। ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स में आ सकता है कि चीनी क्रांति कब हुई थी। ठीक है, अब दोनों को, मतलब दोनों अब तरक्की की ओर बढ़ रहे थे।
उसी के बीच में हमारी कंट्री से पीएम नेहरू और उनकी कंट्री से प्रीमियर जो एन लाई, इन दोनों ने मिलके पंचशील ट्रीटी पे सही की थी। पंचशील मीन्स फाइव प्रिंसिपल्स थे जिन पे दोनों कंट्रीज ने मिलके 29 अप्रैल 1954 में सिग्नेचर किए थे कि भाई दोनों कंट्रीज साथ में मिलके काम करेंगी, फ्रेंडली रिलेशन बना कर रखेंगी और लड़ाई नहीं करेंगी। लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि 1962 में चाइना ने हम पे अटैक किया? तो आगे हमें यही पढ़ना है कि रीजंस क्या थे हमारे रिश्तों में खटास के, रीजंस ऑफ बिटरनेस, कि भाई दोनों कंट्रियों ने जब साइन कर दी है उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि दोनों के रिश्तों में खटास आई, बिटरनेस आई। तो जो करते हैं स्टार्ट, रीजंस की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, तिब्बत इशू। नेक्स्ट क्या आता है आपका, बाउंड्री डिस्प्यूट। अगर हम तिब्बत की बात करते हैं तो देखिए, चाइना अनेक्स तिब्बत इन 1950, 1950 में चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, ठीक है। अब भाई जब कब्जा कर लिया तो भाई तिब्बत से उनके लीडर थे कौन थे, दलाई लामा, द तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर द दलाई लामा सॉट एंड ऑब्टेन पॉलिटिकल आजादी इन इंडिया इन 1959, मतलब 1959 में इन्होंने हमारी कंट्री में राजनीतिक शरण मीन्स पॉलिटिकल आजादी उन्होंने ले लिया। अब जब तिब्बत का एक लीडर हमारी कंट्री में आ रहा है तो चीन को ही सोचने मजबूर कर दिया उस चीज़ ने कि शायद जो इंडिया है वो एंटी चाइना एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहा है। देखो लास्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं इसमें, कि चाइना एलिज डेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज अलाउिंग एंटी चाइना एक्टिविटीज़। अब इस चीज़ को देख के चाइना गुस्सा आ गया कि भाई एक तो मतलब इंडिया से हमने रिश्ते इतने अच्छे कर रखे, उसके बाद इंडिया जो है वो किस क्यों तिब्बत के लीडर को अपनी कंट्री में अलाउ कर रहा है, रहने के लिए अलाउ कर रहा है। तो एक तो ये इशू था लड़ाई होने का। अगर हम नेक्स्ट उसकी बात करते हैं तो बाउंड्री डिस्प्यूट, सी इसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग सीमा विवाद। क्या हुआ, इंडिया ने बोला, इंडिया क्लेम डैट बाउंड्री वॉज अ मैटर सेटल, बट ठीक है ये जो मैटर था बाउंड्री का वो ब्रिटिशर्स ने पूरा सॉल्व कर दिया था, मतलब कॉलोनियल टाइम पे हमारा पूरा मैटर जो है चाइना से हो गया सॉल्व। लेकिन चीन क्या बोलता है, चीन बोलता है बट चाइना सेड डैट एनी कॉलोनियल डिसीजन डिड नॉट अप्लाई। चीन कह रहा है कि भाई 1947 से जो पहले हुए थे फैसले वो अब अप्लाई नहीं होंगे, आपको दोबारा से उसके ऊपर मुंबई बैठ के डील करनी होगी। चीन ने ये बात बोली, ठीक है। इंडिया ने बोला कि 1947 से पहले हमारी सब कुछ बात हो चुकी थी, लेकिन चीन कह रहा नहीं अब दोबारा बात करो। अब क्या हुआ, चाइना ने दो एरियाज़ की बात की जहाँ पे उसने बोला कि वो एरियाज़ चीन के हैं। चाइना क्लेम टू एरियाज़ विद इन इंडिया, कौन से थे वो, एक था एरिया आपका अक्साई चीन एरिया इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड नेक्स्ट था आपका नेफा अरुणाचल प्रदेश में। ये दो एरियाज थे जिन पे इन्होंने क्लेम किया कि ये दो एरियाज जो हैं वो चीन के हैं ना कि इंडिया के हैं, ठीक है। तो जो कंट्रीज सब तक बड़ी जो मतलब जिसका बड़े बहुत बढ़िया था पहले, वही कंट्रीज अब आगे चल के इन दो मुद्दों पे उनके रिश्ते खराब होने लग गए। तो आगे ये हुआ कि जब पूरे वर्ल्ड का फोकस था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पे, तभी चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया। क्या कह रहे हैं, वाइल द एंटायर वर्ल्ड्स अटेंशन वाज ऑन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, चाइना लॉन्च द स्विफ्ट एंड मासिक इन्वेजन इन अक्टूबर 1962 ऑन बोथ द डिस्प्यूटेड रीजन। बोथ यहाँ पे हम लोग आपका अक्साई चीन एरिया की बात कर रहे हैं और नेफा एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि भाई जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रही है उसको देख रहा है, तभी चीन ने इसके एडवांटेज ली और चीन ने इंडिया पे अटैक कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट अटैक लास्टेड 1 वीक, पहला जो मतलब अटैक किया था वो पूरे 1 वीक चला, एंड चाइनीज फोर्सेस कैप्चर्ड सम की एरियाज इन अरुणाचल प्रदेश, जो आपका अरुणाचल प्रदेश था वहाँ के कुछ एरियाज पे मतलब मेन मेन एरियाज पे चीन ने अपना जमा लिया कब्जा, ठीक है। द सेकेंड वेव ऑफ अटैक की नेक्स्ट मंथ, अगले महीने नवंबर की बात है, ठीक है। द वाइल द इंडियन फोर्सेज कुड ब्लॉक द चाइनीज एडवांसेस ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इन लद्दाख, इंडिया चीन की फोर्सेस को वेस्टर्न फ्रंट पे रोकता, तभी चीन ने ईस्ट की तरफ अपना पूरा जमा लिया कब्जा, ठीक है। इन द ईस्ट द चाइनीज मैनेज टू एडवांस नियरली टू द एंट्री पॉइंट ऑफ असम प्लेस, असम तक चाइना पहुंच गया था लड़ते लड़ते, ठीक है। तो ये आपका चाइनीज इन्वेजन है 1962 का। चलिए आगे चलता है कि द चाइना वॉर डेंटेड इंडियाज इमेज एट होम एंड अब्रॉड, मतलब जो चीन से युद्ध हुआ था हमारा उससे काफ़ी भारत की बेइज्जती हुई अपने घर में भी और इंडिया अब्रॉड मतलब बाहर भी, ठीक है। द USSR रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, मीन्स इंडिया ने US से और ब्रिटिश आर्मी से काफ़ी हेल्प मांगी थी बट उन्होंने कोई हेल्प नहीं की,
और जो आपका यूएसआर था वो न्यूट्रल रहा, ना उसने साइड ली इंडिया की ना साइड ली उसने चाइना की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ द टॉप आर्मी कमांडर्स, ठीक है, इधर रिजाइन और वर रिटायर्ड, मतलब जो कमांडर्स थे आपके मेन हमारे इंडियन आर्मी के, या तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है, या फिर वो आपके रिटायर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, डिफेंस मिनिस्टर वी किशन मेनन हैड टू लीव द कैबिनेट, जो आपके ये किशन मेनन थे इन्होंने कैबिनेट लीव कर दिया था। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे एक मेंबर में वी किशन का। और पहली बार ऐसा हुआ, अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट, इस मतलब नेहरू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नेहरू गवर्नमेंट वॉज मूव, मतलब पहली बार एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं इसको हिंदी में, ये पास हुआ था। तो जी हम लोगों ने जो ये पूरा पढ़ा, ये आपका पूरा क्वेश्चन जो है ये 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में आता है, द चाइनीज इन्वेजन 1962। जी सो टॉपिक नेक्स्ट है हमारा वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान। देखिए अगर पाकिस्तान की बात करें तो जानते हैं पाकिस्तान पार्ट था इंडिया का ही, जो 1947 में निकल गया था बंटवारे के बाद, बट पाकिस्तान हमेशा क्लेम करता है कि भी कश्मीर उसका है, और कश्मीर का मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। कश्मीर को लेकर आज भी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती रहती है बॉर्डर पे, ठीक है। अब अगर बात करें तो काफ़ी लड़ाई हुई है हमारी पाकिस्तान से कश्मीर को लेकर, बट 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी भी हमारी हुई थी, पानी को शेयरिंग को जो थी हमारी उसको ठीक करने के लिए। अब ये तो बात की बातें हैं, अगर हम लोग मेन बात करें तो पाकिस्तान से हमें बात करने की, इसकी दो वॉर की बात करनी है जो कि 1965 और 1971 में हुए थे। अगर हम लोग 1965 की बात करते हैं तो ये बात आपकी अप्रैल की है, सी ही इन अप्रैल 1965 पाकिस्तान लॉन्च्ड आर्म अटैक्स इन द रन ऑफ कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, सी गुजरात के रन ऑफ कच्छ एरिया में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, कब, अप्रैल 1965 में, ठीक है। ये पहला पॉइंट है आपका। नेक्स्ट पॉइंट, दे ऑल्सो अटैक जम्मू एंड कश्मीर इन अगस्त सेप्टेम्बर एंड होपिंग टू गेट लोकल सपोर्ट फ्राम लोकल पॉपुलेशन, बट इट डिड नॉट हैपन। भाई उन्होंने अगला अटैक कब किया, अगस्त सेप्टेम्बर में, कहाँ पर किया, जम्मू एंड कश्मीर में। क्यों किया, इस होप में किया कि भाई जम्मू कश्मीर में थोड़े मुस्लिम्स हैं तो वो उनको हेल्प करेंगे, उनको लगा कि भाई लोकल पॉपुलेशन बोलेंगे कि भाई जो कश्मीर है वो बिलोंग करता है पाकिस्तान से, बट एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, ठीक है। अब भाई जब दो अटैक हमारे ऊपर हो गए बैक टू बैक, तो उस समय हमारे कंट्री के पीएम लाल बहादुर शास्त्री थे, वो है ना जय जवान जय किसान, इसी टाइम उन्होंने कहा था, ये नारा दिया था, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या आता है कि शास्त्री जी ऑर्डर्ड इंडियन ट्रूप्स टू लॉन्च एनकाउंटर ऑफ ऑफिसन ऑन पंजाब बॉर्डर एंड इंडियन आर्मी रीच्ड लाहौर। भाई इन्होंने ऑर्डर किया कि जाओ भाई लड़ो भिड़ो, बट इंडियन टेरिटरी जो है सेफ रहे और किसी को नुकसान ना पहुंचे। इंडियन आर्मी लड़ते लड़ते लाहौर तक पहुंच गई थी। एट लास्ट हुआ कुछ नहीं, हुआ था आपका ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, कब हुआ था, जनवरी 1966 में हुआ था, बिटवीन शास्त्री जी और जनरल अयूब खान। सो ये था आपका 1965 का वॉर, ये पूरा आपका 4 मार्क्स में सकता है, या अगर रिलेशन आते हैं आपके बोर्ड्स में इंडिया पाकिस्तान के तो आपको सब मेंशन करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, 1971 बांग्लादेश वार। देखिए इसकी स्टोरी आप शायद जानते होंगे, बट मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में आपको कि पाकिस्तान के दो पार्ट्स थे, एक था आपका वेस्ट पाकिस्तान, एक था आपका ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज चलती थी और ईस्ट पाकिस्तान में आपका बंगाली लैंग्वेज और बंगाली कल्चर था, बट इन्होंने इन पर इम्पोज करनी चाहिए थी उर्दू लैंग्वेज, जिसके खिलाफ थे बिल्कुल ये। तो पाकिस्तान में 1971 में आपके फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए, तो जब इलेक्शंस हुए तो वेस्ट पाकिस्तान से जुल्फिकार अलू भुट्टो आए जीतकर, और अगर ईस्ट की बात करें तो शेख मुजीब उर रहमान अवामी लीग के जो नेता थे ये जीतकर आ गए। बट एक्चुअल में जब इन्होंने डिमांड की कि मुझको मतलब पीएम या सीएम बनाओ ईस्ट पाकिस्तान का, बट इन लोगों ने इनकी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अगर ये डिमांड कर लेते एक्सेप्ट तो इनका रूल नहीं चलता। अल्टीमेटली हुआ क्या हुआ, ये कि भाई 80 लाख लोग हमारे इंडिया में आ गए एज अ रिफ्यूजी, क्योंकि भाई इन लोगों ने मतलब वेस्ट पाकिस्तान ने इस एरिया में काफ़ी कहते हैं ना हिंसा वायलेंस का इस्तेमाल किया था। अब जब भाई इंडिया आ गए हैं तो वैसे ही इंडिया गरीब था, ठीक है। अब क्या हुआ, हुआ कुछ नहीं कि भाई इंदिरा गांधी ने वॉर को अनाउंस कर दिया, बट एक्चुअल में अगर बात की जाए सो चाइना और यूएस और पाकिस्तान ये तीनों एक तरफ हो गए थे, और इससे डील करने के लिए इंडिया ने USSR के साथ में 20 ईयर्स की एक ट्रीटी साइन की थी, जिसके लिए सब इसको करते क्रेडिटाइज करते थे हम लोग कि भाई इंडिया ने तो पहले मना किया था कि मत जाओ किसी कैंप में, लेकर इंडिया ने फिर भी ज्वाइन किया, ठीक है। अब जब भाई वॉर शुरू हुआ तो भाई कुछ नहीं हुआ,
हमारे इंडिया ने ऑल ओवर जो था ढाका उसको पूरी तरह से घेर लिया, और लास्ट में 90,000 आर्मी मैन के साथ में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। मीन्स पाकिस्तान हार मान गया, और हुआ क्या, राइस ऑफ बांग्लादेश, एमरजेंस ऑफ बांग्लादेश, आपका बांग्लादेश का आपका जन्म हो गया, ठीक है। और ईस्ट पाकिस्तान नाम की चीज़ हट गई, अब सिर्फ हो गया आपका पाकिस्तान बांग्लादेश। वो सुना होगा आप लोगों ने, कहते हैं ना दादा बाप और बेटा, दादा मीन्स इंडिया, बाप मीन्स पाकिस्तान, बेटा मीन्स बांग्लादेश, ठीक है। तो अब इसको ख़त्म कैसे किया हम लोगों ने, तो ये हुआ था आपका शिमला एग्रीमेंट, कब हुआ था, 3 जुलाई 1972 को, किसने किया था आपका, ये इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में आपका ये एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान के ऊपर आपसे पूछते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन, तो ये दो वर्ड्स को आपको तरीके से मेंशन करना होगा। हाँ जी, तो इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक आ गया हमारा, इसका नाम है इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। सी, इस पूरे कंसेप्ट को मैंने 5 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है, करते हैं स्टार्ट। सी, फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन बाय इंडिया इन मई 1974, मीन्स इस डेट को हमारी कंट्री ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। जो हमारे पीएम थे नेहरू जी, नेहरू हैड ऑलवेज पुट हिज फेथ इन साइंस, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में उनका बहुत फेथ था, ठीक है। फॉर रैपिडली बिल्डिंग, उन्होंने कहा था कि भाई अगर तरक्की करनी जल्दी जल्दी और इंडियन को बनाना है आपको मॉडर्न, तो आपको साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ हिज इंस्टॉलेशन प्लान्स वॉज द न्यूक्लियर प्रोग्राम इनिशिएटेड इन द लेट 1940s अंडर गाइडेंस ऑफ होमी जे भाभा। मतलब जो उन्होंने कहा था कि भी मॉडर्न इंडिया के लिए साइंस ज़रूरी है, तो उनके जो इंस्टॉलेशन के जो प्रोग्राम्स थे उनके, उनकी गाइडेंस में उन्होंने बहुत सारे काम किए थे 1940s के एंड डे। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया वॉन्टेड टू, इंडिया ने जो बनाई थी चीज़ें वो बनाई थी किसी पर अटैक करने के लिए, हमेशा बनाए थे पीसफुल पर्पज़ के लिए, सिर्फ रखने के लिए। एंड इंडिया ने एनपीटी जो ट्रीटी थी आपकी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इस पे इंडिया ने कभी साइन नहीं किए, बिकॉज इंडिया सेड इट इज़ अ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी, मतलब ये चीज़ बहुत बेकार थी, ठीक है। सो इंडिया कंसिडर्ड द एनपीटी एज डिस्क्रिमिनेटरी एंड हैड रिफ्यूज साइन इट। लास्ट पॉइंट क्या था आपका, व्हेन इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इट वॉज टर्म्ड एज पीसफुल एक्सप्लोजन। भाई शांति बनाए रखने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया था कि हम लोग भी प्रॉस्पेरस हैं, हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारी इंडिया कोई भी एम नहीं था कि हम किसी पे एटॉमिक एनर्जी से बम करेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच वीडियोज़ को देखने के लिए, प्लीज़ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप कमेंटिंग। Bye.